Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. This is Sheikh Zainulabdin from the decks of Excellence Online. जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 एंजाइम का आगाज कर चुके हैं. लास्ट टाइम हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम उनके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस वीडियो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू वी से कॉन्जुगेटेड, दे आर डिवाइडेड इनटू एपो एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम. अब एपो एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. अगर जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये जिक्र किया कि एंजाइम पूरे के पूरे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, मतलब दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. अगर एंजाइम प्योरली प्रोटीन, कंप्लीटली प्रोटीन से बने हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड एपोएंजाइम. इफ दे आर मेड अप ऑफ कंप्लीटली प्रोटीन, देन इट इज कॉल्ड एपोएंजाइम. ये तो बात हो गई कि अगर एंजाइम कंप्लीटली प्रोटीनियस इन नेचर है, कंप्लीटली प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम. अब इसके बाद कॉन्जुगेटेड एंजाइम. नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेटेड एंजाइम. इफ द प्रोटीनियस पार्ट और द प्रोटीनियस एंजाइम इज mixed with any non-proteinous part. अगर proteinous part में के साथ साथ enzyme में अगर कोई non-proteinous part conjugate किया हुआ है, mix किया हुआ है, मिला हुआ है, तो उस enzyme को हम कहेंगे conjugated enzyme. Any other substance mixed with protein and form enzyme then it is called conjugated enzyme. अब ये बात किसने कही थी, एक साइंटिस्ट थे यूलर, उन्होंने ये बात कही कि अगर प्रोटीनियस पार्ट नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ कॉन्जुगेट किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम. और इसके साथ साथ अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज एक्टिव देन इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम. अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम एक्टिवेटेड है तो हम उसे क्या कहेंगे, होलो एंजाइम. अब बात यह आ गई कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम कोई भी दूसरा सब्सटेंस प्रोटीनियस पार्ट के साथ मिक्स हो तो हम उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं. तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम की भी फर्दर दो क्लासेस आती हैं, एक होते हैं कोफैक्टर और दूसरे कहलाते हैं कोएंजाइम. अब मैं अगर कोफैक्टर की बात करूं, कोफैक्टर्स, अगर इफ the conjugated or the non-proteinous part attached to the enzyme proteinous part, if non-proteinous part attached to proteinous part is what do we say inorganic, if non-proteinous part is what do we say attached to proteinous part is inorganic, then it is called cofactor. Agar jo non-proteinous part hai wo inorganic hai, अगर नॉन प्रोटीनियस ग्रुप इनऑर्गेनिक है, उसे हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर. और इसकी क्या मिसालें हो सकती हैं, हम जिंक ले सकते हैं, हम मैग्नीज ले सकते हैं,
हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, हम क्लोराइड ले सकते हैं, एंड देर आर सेवरल अदर्स. और इसके साथ साथ एक और बात जो आपके इल्म में मिलाना चाहूंगा कि ये वो कोफैक्टर्स हैं या ये वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी काफी हद तक एक्सेलरेट करते हैं. बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. इसके अलावा मैंने जैसे कहा कॉन्जुगेटेड एंजाइम दो तरह के आते हैं. एक तो हो गए मतलब जो कॉन्जुगेट जो चीज होती है जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक हो गए कोफैक्टर्स, दूसरे होते हैं कोएंजाइम्स. अब जैसा कि मैंने कहा कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम कौन है? वो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सो देन इट इज कॉल्ड कोएंजाइम. और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? एनएडी, एसएडी, एनएडीएच एटसेट्रा. देयर आर मेनी एग्जांपल. सो व्हाट वी अंडरस्टूड के अगर एंजाइम कंप्लीटली प्रोटीन से बना हुआ है उसे हम कहेंगे एपोएंजाइम. अगर उसके साथ कोई नॉन प्रोटीनियस चीज मिक्स की हुई है उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम. अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एक प्रोटीनियस पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा. एक और बात, अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम एक्टिवेटेड है हम उसे क्या कहेंगे? होलो एंजाइम. आई हैव मेंशन इट हियर. ठीक है. अब और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में हमें बताया? यूलर वॉज अ साइंटिस्ट. वन मोर थिंग, इफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज इनऑर्गेनिक देन वी विल कॉल इट कोफैक्टर. इफ द नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज ऑर्गेनिक देन वी विल कॉल इट कोएंजाइम. अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो कौन से हैं? जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोराइड एक्सेट्रा. और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो है एनएडी, एफएडी, एनएडीएच एंड एक्सेट्रा. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. इफ यू रियली लर्न समथिंग प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.